जय हिंदू राष्ट्र। आज एक बड़ा गंभीर विषय चर्चा के लिए आया है। अब वो ये है कि वाराणसी में जहां पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी पधारे थे और बड़ा उत्साह का वातावरण था, वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद में कलकत्ता का एक नौशाद आलम नाम का व्यक्ति मस्जिद में नमाज पढ़ने आया, तो उसका इंटरव्यू एक टीवी चैनल की लड़की ने लिया। अब वो बहुत बुरी तरह से कुपित है, कष्ट में है, दुखी है इस बात को लेकर कि मस्जिद के आसपास जो विश्वनाथ जी का मंदिर बना है उसके परकोटे ने मस्जिद को ढक लिया है। और बड़ा कष्ट से उसने कहा कि ऐसा कहीं होता है, और फिर वो आंसुओं से रोया और कहा उसने कि 40 वर्ष के जीवन में मेरे ये पहली बार हुआ। और वो लड़की जो उसका इंटरव्यू ले रही थी वो इतनी द्रवित हो गई कि उसने उसका कंधा थपका, बस गले नहीं लगाया, बाकी सब उसके लिए उसने उसे सांत्वना दी। अब वो पत्रकारिता की जगत में कोई पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं, तो उससे कोई बहुत अपेक्षा नहीं है ना। वो ये बात उससे कर पाई, पूछ पाई कि तुम्हें इसमें कष्ट क्या है। आखिर मंदिर बना है तो मंदिर की अगर ऊंचाई अधिक है उसमें मस्जिद दब गई या मस्जिद उसके ऊंट में आ गई, मगर इस मंदिर का इतिहास क्या है ये इस लड़की को और देखने वालों को मालूम होना चाहिए। मैं इसीलिए उपस्थित हुआ हूं। राम जन्मभूमि के संदर्भ में तो प्रामाणिक तथ्य इतिहास में उपलब्ध नहीं थे, तो जब वो मस्जिद वहां से हट गई, साफ हो गई, तो उसके नीचे पुरातत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुदाई कराई। और उसमें आदेश था कि जो मजदूर हैं या अधिकारी हैं जो काम करा रहे हैं वो उसमें मुस्लिम पर्याप्त उपस्थिति हो, तो उसके नतीजे में लगभग 40% मुसलमान खोदने वाले भी थे, अधिकारी गण भी थे, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ कि यहां पर कृष्ण जन्मभूमि, क्षमा करेंगे, राम जन्मभूमि में मंदिर इसकी तह में रहा है। वहां सारी चीजें निकल कर आई और कसौटी पत्थर के खंबे इत्यादि रचनाएं मिली जिसके आधार पर ये निर्विवाद निर्णय हुआ। इसके अलावा सैकड़ों प्रमाण दिए गए इस बात के कि वहां पर हिंदुओं ने बार बार प्रयास किया। एक ऐसी भूमि जो पहले से मस्जिद हो उस पर प्रयास क्यों करेंगे और उसी पर क्यों करेंगे, भारत भर में मस्जिदें हैं वहां क्यों नहीं किया। तो ये बात तय हुई, मगर काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, इनके तो लिखित तो उल्लेख हैं इनके मंदिरों को उठाने के और इस पर मस्जिद तामीर करने के। नौशाद तुम्हें और तुम्हारे साथ के अन्य मित्रों को जो इस विचारधारा के हैं या जिनको ये न मालूम हो तो पता होना चाहिए, ये जगह जिसे अज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है मूलतः हिंदुओं का मंदिर है। ये मंदिर अभी जो काशी विश्वनाथ का बड़ा बना है वो बड़ा मंदिर जरूर बना है मगर पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तभी होगा जब ज्ञानवापी उसका हिस्सा होगी। ये मस्जिद जिसे ज्ञानव्यापी कहा जाता है ये मुशरिकों के यानी काफिरों के यानी भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करने के लिए इस्लाम ने अपनी ताकत दिखाते हुए, कुव्वतुल इस्लाम साबित करते हुए मस्जिद बनाई थी। इसके लिखित उल्लेख औरंगजेब के रिकॉर्ड में है, छिपाने की बात नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा इतिहास भ्रष्ट किया गया होगा, इस्लामी इतिहास तो मानेंगे। स्वयं मक्का जो जिसमें जाए बगैर हज नहीं पूरा होता,
उससे मोहम्मद ने 360 मूर्तियां ध्वस्त की थी। आपको उस उन कष्ट का, उन लोगों के दुख का, उनकी पीड़ा का कुछ अंदाजा है, अनुमान है कि जिनकी सैकड़ों सालों से चली आ रही इबादतगाहें, पूजा के स्थल, उनके मंदिर मोहम्मद ने और उसके साथियों ने तोड़े थे। केवल ज्ञानवापी के साथ में कोने में एक मस्जिद थोड़ा सा आपको छोटी लगने लगी तो आपको पीड़ा हुई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। बामियान के बुद्ध मूर्तियां भी कुछ वर्ष पहले तालिबान ने तोड़ी थी, वो वर्षों से पहले भी कई बार तोड़ी जा चुकी, वो नई बात नहीं है। बौद्धों पर कैसा, बौद्धों का हाल क्या हुआ होगा, उन पर कैसी गुजरी होगी, जापान के, चीन के, कंबोडिया के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के, श्रीलंका के, तिब्बत के, अन्य क्षेत्रों के बौद्धों पर कैसी गुजरी होगी। एक मंदिर के, विराट मंदिर की छांव में, छांव शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अभी आंच तेज नहीं हुई, धूप नहीं आई है, तिल मिलाने वाली आएगी, निश्चित आएगी, तो उस छांव में बैठी रखी हुई मस्जिद को देखकर आपको कष्ट हुआ। जिन लोगों की इतनी मूर्तियां तोड़ी गई हों, ये संघार सारे विश्व में हुए हैं। 1300 वर्षों से इस धरती पर जो नरमेद हुआ है उसमें एक बड़ा तटस्थ आकलन 10 से 18 करोड़ लोगों के मारे जाने का है। आप शालम ऐसे नहीं बने थे, आज से 10 पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज मेरी ही पंक्ति के, मेरी ही वंश के, मेरी ही परिवार के, मेरे ही समूह के, मेरे ही कुटुंब के लोग थे। हो सकता है कि आपके 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी पहले के दादा और मेरे दादा सगे भाई हूं। इस्लाम के इस चिंतन ने जो सारी दुनिया को कुफर और ईमान में बांट के रखता है, उसने तलवार की धार से आपके पूर्वजों को दबाव से हमसे अलग कर दिया। हम हिंदू केवल इस कारण बचे हैं कि हम संघर्ष करते रहे या हमने इस संघर्ष के साथ सामने झुकने से इनकार कर दिया। आपके पूर्वज वो हैं जो इस संघर्ष के सामने डिग नहीं पाए, जिनके पैर कपा गए और जिन्होंने अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, जजिया न दे पाने के कारण या जजिया से बचने के कारण अपने आप को उन लोगों की पंक्ति में सम्मिलित कर लिया जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने आपकी पूज्य मातृभूमि पर हमला किया था। ये मातृभूमि आपकी मेरी दोनों की केवल इस कारण है कि आपके और मेरे जीन्स एक हैं, हमारा रक्त एक है। मगर आपका उस पंक्ति में जाकर बैठ जाना और उससे बिलखना आपकी राष्ट्रीयता को संदिग्ध बना रहा है। मैं इस लड़की से भी अपेक्षा करता हूं कि उसने ये सवाल पूछना था कि ये मूलतः मस्जिद तो मंदिर तोड़कर बनाई गई है, तुम्हें इस पर आंसू नहीं आते? आंसू इस पर आ रहे हैं कि बड़ा मंदिर बन गया, उसके होठ में ये मस्जिद छिप गई है। ये जो चिंतन है दारुस्सलाम का कि सारी संसार में वही चले जो हम चाहें, और हमसे इतर जो हो उसको हम मार दें, उनके गले काट दें, उनको ध्वस्त करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ दें, उनके मंदिरों को उठा दें, ये चिंतन क्या है? आखिर इसका आधार क्या है? आप किस आधार पर कह सकते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है? अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है, इसका प्रमाण कुरान के अलावा क्या है? कुरानी तो कह रही कि वो उसकी किताब है, तो मैं कहूं कि मेरी ये लंबाई 14 फुट की है, क्या मैं अवतार हूं, मैं पैगंबर हूं, इसका आधार क्या है? मेरी बात तो है, इसको तार्किक होना चाहिए, कम से कम कहने वाले के जीवन में इस प्रकार की बातें होनी चाहिए जो उसको एक सच्चा शुद्ध व्यक्ति साबित करें। मगर दिखाई तो ये देता है कि नरसंहार किए इसने, इसके मानने वालों ने संपूर्ण विश्व में नरसंहार किए। किस जिस आधार पर आप मंदिर को तोड़ना उचित मानते हैं, मूर्ति को तोड़ना उचित मानते हैं, उसी तर्क के आधार पर मस्जिद अल्लाह एक है। अल्लाह एक कैसे है, कौन सा आधार है इसको मानने का, कोई तरीका, कोई वजह? अल्लाह है ये भी तय हो चुका है, विज्ञान तो नहीं मानता,
किसी निर्माता को, कोई अब यही तो है कि सृष्टि को आप निर्मिति मान रहे हैं, ये निर्मिति है इसलिए इसका निर्माता होगा, तो फिर अल्लाह निर्मिति नहीं है, ये कैसे होगा? फिर अल्लाह का सुपर अल्लाह बनाने वाला कोई, फिर उस सुपर अल्लाह का सबसे बड़ा कोई अल्लाह बनाने वाला, ये अंतहीन श्रृंखला हो जाएगी। केवल यही दर्शन नहीं है, त्रैतवाद यानी परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनों अनश्वर अनादि अनंत हैं, सदैव से हैं, जैसे अल्लाह या ईश्वर या गॉड जो भी आप नाम लेना चाहें, जबकि ये भिन्न हैं। अल्लाह और ईश्वर में जमीन आसमान के फर्क हैं, गॉड और ईश्वर में जमीन आसमान के फर्क हैं, क्योंकि ईश्वर हत्याएं नहीं करता, खून नहीं मांगता, कुर्बानियां नहीं मांगता, गले नहीं काटना चाहता, तो वो और अल्लाह एक कैसे हो जाएगा? वो तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भिन्न है दो चीजें। फिर भी मोटे तौर पर आपसे रचयिता मानते हैं, मैं मान लेता हूं कुछ देर के लिए आपकी बात को। तो इस रचयिता के साथ साथ, परमात्मा के साथ साथ प्रकृति अनादि अनंत क्यों नहीं हो सकती? आत्मा अनादि अनंत क्यों नहीं हो सकती? कोई कारण? इसको और इस धींगा मुसी को, इस बात को, चूंकि तार्किक आप नहीं है, तर्क से बात नहीं कर सकते, इसलिए आपको लट चाहिए, तलवार चाहिए। ये काम किया जो इस्लाम के आदि आचार्य हैं मोहम्मद और उनके साथी, ये सारे के सारे हत्यारे थे, सारे सारे कातिल थे, इन्होंने काफिरों को मारा, मुशरिकों को मारा, इनको सभ्य शिष्ट तो नहीं माना जा सकता। तो जो पीड़ा आपको आज हो रही है, ये पीड़ा इस्लाम 1500 वर्ष से सारी दुनिया को दे रहा है। 712 में जो भारत पर हम पर जो आक्रमण सफल हुआ था, वो 14वां आक्रमण था। उससे पहले 13 आक्रमणों में हमने मारपीट के सीधे कर दिए थे, फिर भी 14वां आक्रमण सफल हुआ, तो उन्होंने मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, आचार्यों को मारा, उनके वहां पर गौ हत्या की, गले काट काट के गौएं उनके लोथड़े गलों में लटकाए हिंदुओं के, उनको भ्रष्ट किया। उन पर क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी, उसको लेकर आंख में आंसू आए? सीधा प्रश्न। तब फिर अपना एक ऐतिहासिक वाक्य, जो पेशावर में स्कूल पर हुए हमले में जो कुछ सौ लोग बच्चे मार दिए गए थे, मैंने प्रयोग किया था, वो फिर दोहराना चाहूंगा कि मुझे भी उतना ही कष्ट है पेशावर के हमले पर जितना मुंबई हमले के समय पाकिस्तान के लोगों को हुआ था। मुझे आपके दुख में पूरी सहानुभूति है और उतनी ही सहानुभूति है जितनी मूर्ति पूजकों के मंदिर तोड़ने पर आपको हुई थी, जितनी आपको पीड़ा हुई थी उतनी ही मुझे पीड़ा है। आप समझ रहे होंगे मैं आपकी पीड़ा का, आपके आंसू का मजाक उड़ा रहा हूं, और मैं इस पर गर्वित हूं, सम्मान के साथ, मैं फख्र है मुझे इस बात पर कि ये दिन आए हैं। हम सैकड़ों सालों से ये सलीब ढो रहे हैं, ये कांटों का ताज हमारे सैकड़ों सालों से माथे पर है। कुफ्र और ईमान की इस लड़ाई को, गजवाए हिंद को हम सैकड़ों सालों से देख रहे हैं और तिल तिल करके जूझ रहे हैं, एक एक इंच की धरती पर हम जूझ रहे हैं, और अब वो स्थिति आई है, ये श्रेष्ठ दिन आया है कि हम गर्वित होकर कह सकते हैं पूरा संघर्ष नहीं हुआ है। काशी विश्वनाथ का विराट कॉरिडोर बहुत अच्छा है, भगवती गंगा के दर्शन होते हैं वहां से, हम बड़ी बड़ी संख्या में एकत्र हो सकते हैं। मैं पुराने मंदिर गया हूँ, छोटी छोटी गलियों में जब कहीं छाण घूम रहे हैं तो गंदगी पड़ी है, कूड़ा कचरा, उसकी जगह अब साफ सुथरा मंदिर हो गया है, मगर ये मंदिर तब तक अधूरा है जब तक ज्ञान वापी मस्जिद इस कॉरिडोर का, इस मंदिर का हिस्सा नहीं बनती। और ये भूमि साथ ही करनी होगी, भूल उठिति करनी होगी, बाबरी मस्जिद की तरह ध्वस्ती करनी होगी। जिस मैदान में पराजय हुई उसी मैदान में विजय श्री का वर्णन करना होगा, ये तिलक हमें लगाना होगा। ये हमारे लिए श्रेष्ठ दिन है, तेजस्विता का दिन है कि हमें ये उपलब्धि हुई, मगर ये उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। मथुरा वापस चाहिए, और मथुरा ही नहीं चाहिए, सिंध में हिंगुलाज भवानी
का मंदिर शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ सिंध का वापस चाहिए, कांधार के मंदिर वापस चाहिए, काबुल के मंदिर वापस चाहिए, इसको जूझेंगे। ये अंतरराष्ट्रीय संघर्ष है, ये होगा और इसको चरम परिणति पर, इसके निष्कर्ष पर, अंतिम स्थिति पर हम लेकर आएंगे, निश्चित लाएंगे। हो सकता है कि इसमें आहुति मेरी पड़ जाए, इसमें कोई समस्या नहीं है, मगर ये बात बिल्कुल स्पष्ट सबको समझ में आनी चाहिए कि ये सभ्य समाज और पैशाचिक समाज के बीच का युद्ध है। दीन मूलतः अरबी इस्लामी, अरबी साम्राज्यवाद है। शालम बिलख रहा है, क्यों बिलख रहा है? कि उसकी मानसिकता अरबी मानसिकता में परिवर्तित हो गई है, अन्यथा एक भारतीय की तरह तो उसे कष्ट होना चाहिए था कि उसके पूर्वजों के मंदिर पर क्या हाल किया गया है। बहुत गंभीर विषय है ये, बड़ा कॉरिडोर उसको हर्षित करना चाहिए था कि आज उसके पूर्वजों की कीर्ति वापस लौट रही है, उनके पूर्वजों, उसके पूर्वजों का गर्व वापस लौट रहा है, मगर वो आक्रमणकारियों की ओर से आंसू बहा रहा है। दीन की मांगे साम्राज्यवादी हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं रहने देता। तो ये संघर्ष है, होगा, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, कांधे भी बहुत हैं सर भी बहुत, ये दोनों तो चलेगा। इस पर एक क्षण के लिए लज्जित होने की घड़ी नहीं है, एक क्षण के लिए पैर पीछे नहीं हटाना, जूझना है। ये दिन आए हैं आज, कांग्रेस का ये जो पप्पू है, ये अंगवस्त्रम पहन के और एक कटे वस्त्र पहन के मंदिरों में जा रहा है, अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बता रहा है, इसके दादा दादी पारसी, और ये प्रमाणिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं घटना बताता हूं, इसकी दादी प्रधानमंत्री की हैसियत से इंदिरा गांधी मंदिर गई थी उड़ीसा के पुरी के मंदिर में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में, पंडित सामने खड़े हो गए कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही जा सकते हैं, मुख्यमंत्री साथ था वहां, इंदिरा गांधी चुपचाप पीछे हट गई। कारण ईसाई से विवाह करने, पारसी से विवाह करने के बाद, कई लोग कहते हैं कि मुसलमान था और गांधी ने उसको लीबापोती की थी, मैं पारसी मान लेता हूं, पारसी था फिरोज गांधी, फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार पारसी रीति से हुआ है, उसकी पत्नी स्वाभाविक है पारसी होगी, उसका पोता, फिर इसकी माँ सोनिया माइनो, उनका जो विवाह सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, उस पे राहुल गांधी, राहुल विंसी नाम है उसका, ये स्वयं ईसाई, मगर आज वो गर्भित दिन है कि वो अंग वस्त्रम पहन के मंदिरों में चंदन लगाता फिर रहा है, त्रिपुंड लगाता फिर रहा है। क्यों? पूज्य सावरकर जी ने कहा था कि ये दिन भी आएगा कि कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे, अखिलेश यादव केसरिया पगड़ी पहनकर मंच में संबोधित कर रहे हैं, हरी पगड़ी बिल्कुल साफ हो गई, कोई नहीं देखता, हरी पगड़ी नहीं दिखती। ये स्थिति, इफ्तार पार्टियां होती थी रोजे में बड़े जोर शोर से, हमीद अंसारी नहीं और हमारे कांग्रेस के सारे लोग करते थे, हमीदवा तो है ही, वो तो उसकी तो ठीक है पंगा, मगर और लोग भी करते थे, सब हो गया है। कारण कि राष्ट्र प्रबल हो रहा है, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र की कीर्ति लौट रही है, तो ये कीर्ति बढ़ाने का समय है। एक क्षण भी पैर पीछे नहीं हटे, दर्प के साथ, गर्व के साथ, सौभाग्य के साथ, ये क्षण है, इसका पूरा सम्मान के साथ स्वागत कीजिए। और ऐसे इंटरव्यू लेने वाले को और ऐसे इंटरव्यू देने वाले को, दोनों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट पता होनी चाहिए, दबाव के साथ कहिए, उनकी तो इंटेंशन ही है कि व्यूअर्स बढ़े, मगर उन तक ये बात जानी चाहिए कि ये राष्ट्र के सम्मान का विषय है। जिसको आंसू आ रहे हैं, जिसको तकलीफ हो रही है, जिसको कष्ट हो रहा है, उसको कष्ट से बाहर आना चाहिए, ये उल्लास का क्षण है, अट्टहास का क्षण है। खैर,
केवल इतनी बात कहने के लिए आज आपसे संबोधित हुआ हूं।